कैसे आप सब ठीक हो ना आए हो क्या आप सब ठीक होंगे कैसे आप लोगों ने तो ठीक है था परी निशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में ये परी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। शानी परी से पूछती है कि शानी क्या हुआ क्या तुम उसे कुछ छुपा रही हो कुछ परेशान लग रही हो तो परी झूठ बोल देती है कि नो जान वो एक्चुअली मुझे सुबह जल्दी उठना है ना तो सोना और आपको भी तो उठना चलो मुझे जल्दी से सुला दो। ईशान बोलती जान आई नो आप मुझे कुछ छुपा रहे हो कुछ परेशान हो बोलो पता है ना हमारा क्या रिश्ता है आप मुझे हर बात बता सकती हो बोलो ना। परी बोलती जान ऐसा कुछ नहीं है प्लीज़ मुझे सोना है। ईशान बोलती ठीक है जब मन करे तब बता देना हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को सुला देती है और जब ईशानी को लगता है कि परी सो गई है तो ईशानी भी आराम से सुकून से सो जाती है लेकिन परी जाग रही होती है उसे जैसे फील होता है ईशानी सो चुकी है वो उठ के बैठ जाती है परेशान हो जाती है अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है कि ये कहाँ लाके खड़ा कर दिया आपने मुझे भगवान हाँ ये किस परीक्षा में डाल दिया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा तो ये सोच के बहुत गुस्सा हो गए कि मैं ईशानी मैम के भाई के साथ शायद और जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे ईशानी मैम के भाई में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ईशानी मैम में है उनसे प्यार करते तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। मुझे लगा था मेरे पेरेंट्स मॉडर्न हैं उन्हें समझाना इतना मुश्किल नहीं होगा बट अब समझ आ रहा है कि मैंने मेरे पेरेंट्स को कितना गलत समझा। मेरे डैड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यार जब उन्हें पता चलेगा कि मैं लड़की होगी एक लड़की से प्यार करती हूँ वो तो मेरी जान ही ले लेंगे बाप रे बाप मैं क्या करूँ। ईशानी मैम को भी कुछ नहीं बता सकती वो भी परेशान हो जाएंगी और मैं उन्हें परेशानी नहीं दे सकती इतनी मुश्किल से तो वो थोड़ा हैप्पी हुई है मैं क्या करूँ भगवान आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ओह माय गॉड कहाँ जाऊँ किसको अपनी प्रॉब्लम बताऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो परी ऐसे बोल गया बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है उसके दिल में एक अलग से डर सा बैठ जाता है अपने डैड से वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और काफ़ी देर तक यूँ ही जागती रहती है और फिर सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और जब वह सुबह उठती है देखती है कि उसके पापा उसके सिरहाने पे बैठे हैं तो परी एकदम घबरा के उठ जाती है वो अपनी हैंड फ्री जो है वो ऐसे ही मतलब उसने ब्लैंकेट लिया हुआ था तो वो जल्दी से उसे उतारती है और एकदम से यूँ ऊपर होती है कहती पापा आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो तो उसके पापा कहते बेटा बस ऐसे ही तुम्हें उठाने के लिए आया था उठो जाना नहीं है कॉलेज तो परी कहती है हाँ पापा जाना है ना। तो ऐसे बोलते ही परी जो वो तुरंत खड़ी हो जाती है जैसे अपने बेड से नीचे उतरती है उसका मोबाइल जो है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी जो हैंड फ्री होती है वैसे उसकी शर्ट के अंदर फंसी होती है। तो उसके पापा झुक के उसका मोबाइल उठाने लगते हैं परी एकदम घबरा जाती है वो परेशान हो जाती है उसके मन में एकदम से ख्याल आता है कि कहीं पापा देखने लिए कि मैं कॉल पे थी वो भी रात भर तो वो तुरंत अपना मोबाइल लेती है कि पापा मैं उठाती हूँ ना तो उसके पापा कहते हैं टूट गया क्या तो परी बोलती क्या तो उसके पापा कहते मोबाइल टूट गया क्या परी बोलती नहीं नहीं ठीक है प्रोटेक्टर ही टूटा है मैं और डलवा लूँगी तो उसके पापा कहते मुझे दे दे ना मैं डलवा दूँगा परी कहती अरे नहीं पापा उसकी जरूरत नहीं है मैं डलवा लूँगी डोंट वरी तो उसके पापा कहते ठीक है नीचे आ जाना ब्रेकफास्ट करना ठीक है परी बोलती ओके। तो जैसे उसके पापा जाते हैं परी मोबाइल को ऐसे सीने से लगाते कहती बाप रे हाथ बच्चा चला मोबाइल नीचे गिरता है लेकिन सिर्फ मोबाइल नहीं गिरता आपके दिल घुटते पेपर सब निकल के नीचे गिर जाते हैं सांस में सांस आई। तो ऐसे बोल के परी मोबाइल अनलॉक कर दिया देखते हैं कि शानी तो कॉल पे नहीं थी परी बोलती व्हाट शानी मैम कॉल पे नहीं थी कॉल कैसे कट हो गई आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो परी ऐसे बोल के मैसेज करती है हेलो बेबी आर यू देयर क्या आपने कॉल कट करी। तो परी ऐसे काफ़ी सारे मैसेजेस करती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो मैसेज सील तक नहीं हो रहे होते तो परी सीधा कॉल कर देती है परी जैसे कॉल करती है आगे से कॉल रिसीव होती है परी बोलती अरे आपने कॉल क्यों कट किया शानी कहती क्या हुआ परी बोलती आप तो सो रहे हो फिर कॉल कटे कैसे कट हो गई शानी बोलती मुझे क्या बताओ सोने दो ना परी बोलती अच्छा ठीक है सोने का टाइम है उठो जल्दी से फ्रेश हो जाओ कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा शानी बोलती आज मन नहीं है परी बोलती अरे कोई छोटी बच्ची हो जो मन के हिसाब से कॉलेज जाओगी उठो 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 शानी बोलती हाँ ठीक है उठ रहे हो बाय। तो शानी कॉल कट कर देती परी कहती अरे बात भी नहीं सुनी कॉल कट कर दी हद है। तो उसके बाद परी मोबाइल चार्ज पर लगाती है फटाक से जाती है शावर वगैरह लेती है अच्छे से रेडी हो जाती है रेडी होने के बाद मोबाइल जो है वो अनप्लग कर देती है और अपना बैग भी उठा लेती है बैग और मोबाइल लेके नीचे आती है। तो उसके पापा कहते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें परी कहती क्या तो उसके पापा कहते मोबाइल को ऐसे सीने से चिपका के क्यों आ रही हो तो परी कहते अरे वो गिरा था ना टूट गया था तो थोड़ा केयरफुल रह रही हो कि फिर से ना टूट जाओ तो उसके पापा कहते ओके। तो उसके बाद परी उतरी बैठ जाती है ब्रेकफास्ट कर रही होती है वो देखती है कि उसके पापा जो है वो बार बार परी को ही देख रहे हैं परी थोड़ा अनकम्फर्टेबल होती है कहती है कि पापा आज बार बार मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसा भी क्या हो गया। तो परी अपना मोबाइल जो है वो तुरंत बैग में डाल देती है तो उसके पापा जो है वो नोट करते हैं कि परी अपने मोबाइल को कुछ ज़्यादा छुपा रही है।
तो उनका शक जो है वो और गहरा होने लगता है और वो सोचते हैं कि परी के मोबाइल में ऐसे क्या है जो मुझे छूने तक नहीं दे रही। तभी परी की दी आती है, कहती है कि हाँ अरे परी तुम अभी तक कॉलेज के लिए निकली नहीं। परी कहती है हाँ मैं बस निकल रही हूँ। तो परी ऐसे बोल के बैग उठाती है। तभी उसके पापा कहते हैं सुनो आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ परी के मुँह पर, तुम 12 बज जाती है। तो वो दिल्ली में कहती है कि अरे अगर पापा के साथ गई तो ईशानी मैम के साथ नहीं जा पाऊँगी। और वो तुरंत बोलती है अरे पापा उसके साथ नहीं मैं बस से चली जाऊँगी ना। तो उसके पापा कहते हैं क्यों मैं नहीं ड्रॉप कर सकता, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। तो ऐसे बोल के बाहर चल जाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अब परी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बाहर आ रही होती है साथ साथ वो टाइपिंग कर रही होती है। तो अब उसके पापा जो है वो जोर से हॉर्न बजाते हैं, परी एकदम से घबरा जाती है, वो डर के मारे मोबाइल को फिर से बैग में डाल देती है। वो कहती है हाँ पापा आइए। तो फ़ौरन से जाके गाड़ी में बैठ जाती है। तो उसके पापा जो होते हैं वो उसी रोड से लेके जा रहे होते हैं जहाँ से उसकी बस जानी होती है। और परी देखती है कि शानी मैम की गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई है। वो कहती है शानी मैम तो मेरा वेट करिए, लेकिन मैं शानी मैम को कैसे बोलूँ कि मुझे पापा छोड़ने हैं, तो मोबाइल भी नहीं निकाल सकती। तभी उसके पापा परी को देखते हैं, कहते बेटा क्या हुआ, कुछ बात है क्या, कुछ प्रॉब्लम है बताओ मुझे। परी कहती नहीं नहीं पापा ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उसके पापा कहते पक्का, परी बोलती हाँ। तो उसके बाद परी जो है वो देखती है कि उसके पापा का ध्यान नहीं आता, वो फ़ौरन से चुपके चुपके अपने मोबाइल निकालती है बैग से और तुरंत शानी मैम को मैसेज करते हुए कहती है कि जान सुनो ना हम जो पापा ड्रॉप कर रहे हैं, हाँ अब मेरा वेट मत करना और कॉलेज आ जाना सीधे ही। तो परी जैसे टाइपिंग कंप्लीट करके सेंड करने लगती है तभी उसके पापा कहते हैं कि क्या लगी हुई हो मोबाइल में। परी कहती है कुछ नहीं पापा, वो मैं सना को मैसेज कर रही थी कि टाइम से आ जाए लेट ना हो। तो उसके पापा कहते हैं ओके। तो परी फ़ौरन से मैसेज जब वो सेंड कर देती है, वहाँ ईशानी वेट कर रही होती है, कहती है कि अभी तक परी आई क्यों नहीं, इतना लेट तो परी कभी नहीं होती। तभी परी का मैसेज आता है ईशानी को, ईशानी को पढ़ती कहती हद है यार मैं अभी ना कब से वेट करती पहले बता देती। तो उसके बाद ईशानी जब वो सीधा कॉलेज के लिए निकलती है और जैसे वो कॉलेज निकलती है वो देखती है कि परी वहाँ गेट पे रुकी हुई है। तो ईशानी कार पार्क करके गेट की तरफ आती है, परी ईशानी को देख के भागी उनके पास जाती है। परी को बहुत सांस चढ़ रही होती है, ईशानी बोलती बेबी रिलैक्स क्या हुआ इतनी सांस क्यों चढ़ रही है। परी बोलती बाप रे बाप मत पूछो आज मेरे साथ क्या हुआ। शामती ठीक है नहीं पूछती है, लो पानी पियो। तो परी कहती अरे पूछो ना शामती, पहले पानी पियो फिर बताना। तो परी पानी पीती है और फिर दोनों चल रहे होते हैं। शामती अब बताओ क्या हो गया, पापा ने क्यों ड्रॉप किया। परी बोलती है पापा को ना मुझ पर शायद शक हो गया है। शामती शक किस किस्म का शक। तो परी एकदम चुप हो जाती है, कहती शेटा मैं उन्हें क्या बताऊँ कि वो मेरा सीनियर के भाई के साथ बना रहे हैं। तो एकदम से शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। शामती बोलो ना। परी कहती अरे वो मेरे पापा को लगता है कि शायद मेरा कोई चक्कर चल रहा है किसी के साथ। सो शामती व्हाट ये किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रही हो, व्हाट डू यू मीन बाय चक्कर चल रहा है, तमीज से बोलो मैनेज नहीं है क्या। परी बोलती अरे आप प्रोफेसर गिड़ी मत झाड़ो ओके, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूँ ना, चाहे जैसे मर्जी करो। तो ईशानी इशारा करती देखो हम कॉलेज के अंदर हमें थोड़ी प्रोफेसर और गर्लफ्रेंड है। और बोलती ठीक है, तो ऐसी बात है प्रोफेसर को नहीं बताई जाती, सिर्फ गर्लफ्रेंड को ही बता दी जाती है, जो कॉलेज के बाहर जब गर्लफ्रेंड को मिलेंगे तभी बता दूँगी भाई। तो परी ऐसे बोल के अपनी क्लास में चल जाती है। तो ईशानी परी के इस बिहेवियर पर हंसती है, कहती ये बिना कभी नहीं सुधरेगी। उसके बाद ईशानी जो है वो भी कैबिन में चली जाती है। परी जैसे क्लास में जाती है वो देखती है कि सना क्लास में बैठी है और सना ने जो है वो माई का हाथ पकड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब बैठे हैं, दूसरे की आंखों में आके डाल के बातें कर रहे हैं। तो परी एकदम से इन दोनों के सामने आके खड़ी हो जाती होगी थी। लेकिन सना और माई एक दूसरे में इतने खो चुके होते हैं कि उन्हें आइडिया नहीं होता कि परी उनके सामने खड़ी है। और परी एकदम से मोबाइल निकालती है और इन दोनों की पिक लेते हुए कहती है कि मैडम जी अगर तुम्हारी आज की ख़त्म हो गई तो ज़रा मेरी तरफ भी देख लो। तो सना एकदम से खड़ी होते कहती अरे तुम कब आए। तो परी कहती कब से यहाँ खड़ी हूँ और तुम दोनों आज यहाँ क्लास में शुरू हो गए, क्या बात है कोई और जगह नहीं मिली क्या। सना बोलती क्या बकवास कर रही हो चुप हो जाओ। तो माई बहुत ही ज़्यादा जो है वो एम्बेरस फील करने लग जाती है और शायद भी, तो वो फ़ौरन से उठ के जाने लगती है। तभी परी उसका हाथ पकड़ती है कहती ओई हेलो इट्स ओके, हम सब फ्रेंड्स हैं, मस्ती थोड़ी बहुत ही चलती है, हर बात पर इतना ज़्यादा फील करने की जरूरत नहीं है ओके। तो माई बोलती वो मेरी क्लास का टाइम हो गया है बाय। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सना बोलती है कि तुझे कितनी तरह वो बोला है, वो हर बात को सीरियस ले लेती है, क्यों उसके सामने ये सब हरकतें करती है, हाँ क्यों मेरा बसा बसा है घर बर्बाद करने पे तुल गया तू, क्या तो उसका घर बसा हुआ देखा नहीं चाहता तुझसे। परी हंसती है कहती है अरे यार चिल्ला मजाक कर रही थी, अच्छा बैठ मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। सना बोलती बोल क्या करना है। परी बोलती यार एक प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे डिस्कस करूँ। तो वो कहती है ना तेरे पास तेरी ईशानी मैम, कहती है तो सही पर मैं उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकती, एक्चुअली मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। सना ऐसे एकदम से हैरान होकर परी की तरफ देखती कहती ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम बता के उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। परी कहती एक्चुअली वो पापा ने कहीं मुझे देख लिया था ईशानी मैम के भाई के साथ और उन्हें लगा कि उनको और मेरा कुछ चल रहा है, यू नो व्हाट आई मीन समथिंग। तो सर बोलती व्हाट
आर यू सीरियस? सच में अंकल को ये लगा? अरे लेकिन ऐसा भी क्या कर रहे थे तुम दोनों को जो उन्होंने ऐसा सोच लिया? परिपति जी यार क्या बात करी है, ऐसा कोई सीन ही है यार, थोड़े इमोशनल हो गए थे, उन्होंने मुझे हक कर लिया, बस पापा ने हक करते हुए देख लिया और कुछ भी मनगढ़ंत सोच लिया यार, अब मैं क्या करूँ, बहुत शक कर रहे हैं। तो कहती है तो तुमने कह देना क्लियर कर दे। पर बुद्धि यार उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं पूछा कैसे क्लियर करूँ, बस सारा मेरा गुस्सा जाके मोम पे निकाल रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मुझे मोम पे चिल्लाते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं। तो कहती हाँ तो तू इनडायरेक्टली बोल दिया ना, तेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है। पर बुद्धि यार बात वो नहीं है, मैं कुछ और सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ। तो उसकी दोस्त कहती अब क्या परेशान कर रहा है तुझे, बोल ना। पर बुद्धि यार वो एक लड़के के साथ मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो सोचो उन्हें पता चलेगा कि मैं ईशानी मैम के भाई के साथ तो सेट नहीं हूँ बल्कि ईशानी मैम के साथ ही सेट हूँ, तो मेरा क्या आजर करेंगे। तो सर हंसते हुए कहते यार ये तो क्या लैंग्वेज यूज़ करी है, सेट हाँ क्या हो गया तुझे। तो परी कहते तू लैंग्वेज को मार गोली, तू मेरी प्रॉब्लम समझ रही यार, मैं तुझे मेन प्रॉब्लम बता रही हूँ, तुझे मस्ती सोच रही है। तो सर कहते अच्छा बाबा चिल, आई एम जस्ट किडिंग, हाँ तो तू जब होगा तब देखा जाएगा ना, बिकॉज बार मैं सोच रही है। परी कहती यार पापा की नज़रें ना मुझ पर ही जमी है, पता है आज वो मुझे ड्रॉप करने आया है, और पता है क्यों, शक की वजह से, जरूर उन्हें शक होगा कि मैं किसी लड़के के साथ जाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, यार मैं क्या करूँ, मेरे पापा कब से इतने शकी इंसान होंगे मुझे पता ही नहीं चला। तो वो कहती देख यार एक दिन में तो बाप ऐसे शक नहीं करता, शुरू से अंकल ऐसे ही होंगे। तो परी ऐसे घूर दे, कहती हेलो तुझे पता है ना तो किसके बारे में बात कर रही है। तो सना कहती यार मैं क्या करूँ तेरी बातों से, जो मुझे समझ आ रहा है मैंने बस वही बोल दिया। हाँ और हाँ अब तो थोड़ा सा ना ध्यान से रहा कर घर में। परी कहती हाँ यार आज सुबह भी पापा आ गए थे, थैंक गॉड के उन्होंने देखा नहीं कि मेरे मोबाइल पर कॉल चल रही थी। तो कहती हद है ना तू ना सच में किसी दिन मरेगी। परी कहती यार तू वो डरा रही है मुझे, तो दोनों ऐसे बात कर रहे होते तभी क्लास में और स्टूडेंट्स आ जाते हैं और मैम भी आ जाती है, स्टडी स्टार्ट हो जाती है तो ये लोग पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन परी का सारा ध्यान जो है वो कल रात जो वो उसी पे होता है, वो बार बार यही सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, किस तरह पापा को यकीन दिलाऊँ कि मेरे और ईशानी मैम के भाई के बीच कुछ नहीं है, क्या करूँ ऐसा। तो वो बस यही सब सोचती रहती है और परेशान रहती है। वहाँ ईशानी जो है वो ये सोच रहे होते हैं कि कब लेक्चर होगा कब जाऊंगे, एंड फाइनली ईशानी का लेक्चर होता है, क्योंकि अब तो फिर से दो लेक्चर होते हैं और इसलिए सेकंड लेक्चर में ही ईशानी आ जाती है लेक्चर लेने। परी बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन परी को थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है कि फर्स्ट लेक्चर में वो अटेंडेंस लेने क्यों नहीं आई। तो परी एकदम खड़ी हो जाती है, कहती ईशानी मैम आप फर्स्ट लेक्चर में क्यों नहीं आई। तो ईशानी कहती वो मुझे थोड़ी सी लग गई थी तो इसलिए। परी एकदम से घबरा जाती, कहती वो लगी आपको, कहाँ लगी बताया क्यों नहीं, अरे ओके। तो ऐसे बोल के एकदम ईशानी के पास जाके खड़ी हो जाती है और ऐसे उनके पाँव के इधर उधर देखने लगती है, हाथों कुछ छूती है, कहती बताओ ना कहाँ लगी। तो ईशानी एकदम से बोलती क्या करी पूरी क्लास देख रही है। परी बोलती वॉट, ईशानी ऐसे ही परी को पीछे की तरफ पुश करती, कहती दिमाग खराब है क्या, हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। परी बोलती आई एम सॉरी वो मैं डर गई थी, क्या हुआ था आपको। ईशानी बोलती ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, मैं ठीक हूँ। परी बोलती पक्का। ईशानी बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ अपनी सीट पर। तो ईशानी थोड़ी शाउट कर देते ताकि क्लास में किसी को शक न हो इन दोनों के रिलेशन पर। तो परी जाके बैठ जाती है, लेकिन उसे ईशानी का चिल्लाना बुरा नहीं लगा। तो उसके बाद ईशानी जो है वो सबकी अटेंडेंस लेती है और परी बस यही सोच रही होती है कि ईशानी मैम को क्या हुआ था, कहाँ लगी थी जो वो क्लास में नहीं आ पाई। बार बार ईशानी मैम को स्कैन कर रही होती है और तभी ईशानी जो है वो पढ़ाने लगती है और पढ़ाते पढ़ाते ईशानी की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगती है, वो एकदम से पढ़ाते पढ़ाते रुक जाती है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। परी नोट कर लेती है, वो भाग के ईशानी मैम के पास आती है, उनका हाथ पकड़ती है, कहती मैम क्या हो गया, आर यू ओके। तो ऐसे बिल्कुल नहीं चेयर पर बिठाती है और कहती कोई पानी लाओ जल्दी से। तो उसे ना पानी लाती है परी जो है वो ईशानी मैम को पानी पिलाती है, कहती मैम मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ आई थिंक आपको बस करना चाहिए, हाँ मैं आपको आपके कैबिन तक लेके जाती हूँ, चले मेरे साथ। तो ईशानी हाथ छुड़ाती है, कहती नो इट्स ओके आई एम फाइन, इसकी ज़रूरत नहीं है। परी बोलती है ऑफकोर्स ज़रूरत है, अपनी हालत देखिए चले मेरे साथ। तो परी ईशानी की एक बात नहीं सुनती और वो उसका हाथ पकड़ के सीधा उसको उसके कैबिन में लेके जाती है, चेयर पे बिठाती है, उसे उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है और कहते हैं कि जाना मुझे सच से बताओ क्या हुआ है, क्यों तबीयत ख़राब हो रही है, कोई टेंशन है क्या, क्या बात है प्लीज़ बताओ ना। तो ईशानी बोलती नहीं जाना ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। परी कहती फिर क्यों ऐसी हालत हो गई, कुछ तो हुआ है, आई नो आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ईशानी बोलती ऐसा नहीं है। परी बोलती बोलो क्या हुआ है। तो ईशानी कहती वो, परी बोलती वो क्या। तो ईशानी बोलती नथिंग। परी बोलती जान प्लीज़ मुझे मत तंग करो, बताओ क्या हुआ है, फीवर भी तो नहीं है आपको, फिर क्यों ऐसी तबीयत हो रही है। तो ईशानी बोलती मुझे नहीं पता यार, बस हल्का सा चक्कर से आ रहा है, आंखों के सामने कुछ अंधेरा सा छा रहा है। परी बोलती व्हाट और कब से हो रहा है ये। ईशानी बोलती आज सुबह से ही। परी बोलती आपका दिमाग खराब है, हाँ तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आए, हाँ और पढ़ाने भी आ गए, यार
एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकते थे यार मोती? मैंने तो बोला था लेकिन तुम नहीं पढ़े बोते। अरे मुझे लगा आपको नींद आ रही है इसलिए। मैं स्टूपिड हूँ यार, मुझे समझना चाहिए था, आई एम सॉरी। आप एक काम करो, अब चलो। हाँ मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ शानुभूति, बस करो, पागल हो गई हूँ। हाँ तुम क्या पढ़ने के लिए आते हो? चुपचाप जाओ अपनी क्लास में पढ़ो। परिभूति आपको लगता है मैं आपको इस हाल में छोड़ के जा पाऊँगी? बिल्कुल नहीं, हम अभी जा रहे हैं। तो शानुभूति अच्छा, और प्रिंसिपल मैम को क्या बोलोगे कि शान मैम की तबीयत ख़राब है इसलिए उनके साथ साथ तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? वाह क्या बात है, और प्रिंसिपल मैम तो दे देंगी ना? परिभूति मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती, प्लीज़ चलो मेरे साथ। तो परी बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाती है, ईशानी की एक बार नहीं मानती, और ईशानी भी फिर बेबस हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। परी जो है ऐसे ईशानी के एक हाथ ऐसे कमर में डाला होता है, एक हाथ से ऐसे उसका हाथ पकड़ा होता है और उसे कैबिन से बाहर लेके आ रही होती है। और जैसे वो प्रिंसिपल मैम के कैबिन में जाती है तो उसने अभी भी ईशानी को वैसे ही पकड़ा होता है। प्रिंसिपल मैम दोनों को देख के थोड़ा हैरान होती हैं और कहती है कि ईशानी क्या हुआ तुम्हें यार, ओके तो ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है। पर वो तो नो मैम ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो ऐसे बोल के उन्हें सोफे पर बिठा दिया। तो प्रिंसिपल मैम उठ के आती है ईशानी के पास और कहती है क्या हुआ है इसे? तो वो कहती है पता नहीं इन्हें बस चक्कर आ रहे हैं, आई थिंक इन्हें डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत है। तो वो कहती हाँ हाँ ईशानी तुम एक काम करो घर चले जाओ। पर वो बोलती हाँ मैम इन्हें तो जाने की ज़रूरत है, पर साथ साथ मुझे भी जाना होगा। प्रिंसिपल मैम कहती तुम क्यों जाओगी? तो परी बोलती वो कि अकेले कैसे जाएंगी, अकेले नहीं जा सकती है ना इसीलिए। तो वो कहती हाँ तो अपने घर में से किसी को बुला लेगी ना? परी बोलती अरे कोई नहीं है, आप समझने की कोशिश करें ना, इसलिए मुझे जाना होगा। प्रिंसिपल मैम कहती सॉरी मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती। तो परी बोलती लेकिन मैम प्लीज़ समझने की कोशिश करें ना। तो ईशानी देख उतनी देर में बिल्कुल बेहोश हो चुकी होती है, उसे बिल्कुल होश नहीं होता। परी जैसे ईशानी की तरफ देखती है कि वो बिल्कुल बेहोश हो गया, ऐसे सोफे पर ना बिल्कुल पीछे की तरफ लेट जाती है वो। परी एकदम से घबरा जाती है कि ईशानी मैम क्या हुआ आपको? ईशानी मैम प्लीज़ अपनी आवाज़ अरे ओके प्रिंसिपल मैम ने बोला था ना हमें जाने, तो क्यों नहीं सुना आपने, देखो ना क्या हो गया। तो परी बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है और परी को इतना पैनिक होते हुए देख के प्रिंसिपल मैम खुद पैनिक होने लग जाती है। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। परी बोलती प्लीज़ थोड़ा जल्दी। तो प्रिंसिपल मैम एम्बुलेंस बुलाती है और परी जो है वो ईशानी मैम के साथ चली जाती है हॉस्पिटल। जैसे वहाँ हॉस्पिटल जाती है परी तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है। और स्कूल के पास वो एक ही हॉस्पिटल होता है जहाँ वो ईशान डॉक्टर होते हैं, तो उधर ही लेके जाते और बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, डॉक्टर को बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी में होता है इसलिए वो आ नहीं पाता। तो परी तो पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा के रखा होता है, वहाँ पे बहुत सारी नर्सेज होते हैं जो ईशानी का चेकअप कर रही होती है, लेकिन परी कहती है नहीं मुझे प्रॉपर डॉक्टर चाहिए, आप लोग समझो नहीं इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर चाहिए, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है वो। तभी प्रिंसिपल मैम जो होती है वो भी पीछे से आ जाती है, वो परी को इतना पैनिक करते हुए देख के वो भी घबरा जाती है। वो कहती परी तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रही हो, रिलैक्स नर्स है ना उन्हें चेक करी है। परी बोलती नहीं नर्स नहीं मुझे डॉक्टर चाहिए, आप लोग समझ क्यों नहीं रही ईशान मैम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं प्रॉपर डॉक्टर चाहिए, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। तभी एक नर्स जो होती है वो डॉक्टर ईशान को लेकर आती है और परी कहती डॉक्टर ईशान आप देखो ना ईशान मैम को क्या हो गया। तो वो कहते ईशानी को क्या हुआ है? परी बोलती मुझे क्या पता डॉक्टर आप हो के मैं इसलिए मैं कहती हूँ आप सच में आपके पास ना फजूल की डिग्री है, जाली डिग्री है सारी, चेक करो ना क्या हुआ ही नहीं। तो परी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है, इवन उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो डॉक्टर ईशानी को देखना छोड़ देता है, वो पहले परी का हाथ पकड़ता है कि परी रिलैक्स अगर तुम इसी तरह पैनिक करती रहोगी तो मैं ईशानी को नहीं देख पाऊंगा, हाँ तुम यहाँ से बाहर जाओ मैं देख रहा हूँ। परी बोलती नहीं मैं अपनी ईशान मैम को जोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। परी पागल हो चुकी होती है बिल्कुल, क्योंकि उसे पता नहीं होता ईशान को क्या हो गया सडन से। तभी डॉक्टर ईशान कहते ठीक है लेकिन तुम्हें मैं ये रूम में एक छत पर रखने दूंगा, तुम पैनिक नहीं करोगी। परी कहती ठीक है मैं पैनिक नहीं करूँगी, आप प्लीज़ देखो ना मेरी ईशानी मैम को। तो वो कहते हाँ ठीक है पापा देख रहा हूँ। तो डॉक्टर ईशान जो होते हैं वो ईशानी का अच्छे से चेकअप वगैरह करने लग जाता है, और जैसे वो ईशानी का चेकअप करके थोड़ा से पीछे होता है देखते हैं परी एकदम उसके पीछे ही खड़ी है। और डॉक्टर ईशानी एकदम घबरा जाता है कहते तुम तो परी कहते क्या हुआ ईशानी मैम को बताते क्यों नहीं हो, वो ठीक तो है ना। तो डॉक्टर ईशानी कहते इट्स ओके परी रिलैक्स वो बिल्कुल ठीक है, हाँ कुछ नहीं हुआ उन्हें। परी कहते फिर उन्हें चक्कर क्या है? हाँ वो बेहोश हो गई और वो बोल रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बोलो ना क्या हुआ उन्हें। तो डॉक्टर ईशान कहते इट्स ओके रिलैक्स मैं बता रहा हूँ, पहले पैनिक करना बंद करो। परी कहते क्यों तुम कर रहे हो बता रहे हो कि नहीं, मैं करूँ दी को कॉल? तो कहते अच्छा ठीक है अपनी दी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ उसे कुछ नहीं हुआ यार, बस थोड़ी सी वीकनेस हो गई है। परी बोलती वीकनेस पर क्यों? तो डॉक्टर ईशान कहते हैं अरे हो जाता है। परी बोलती वर्ड हो जाता है क्या मतलब हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया, रात तक बिल्कुल ठीक थी अचानक से तबीयत खराब हो गई।
सुबह भी वो बहुत लोग फील कर रही थी अचानक से कैसे। तो डॉक्टर शांति एक से रिलैक्स, मुझे कुछ बताने का मौका दोगे तब बोलूँगी ना, तब मैं बोलूँगा कि क्या हुआ शानी मैम को। तभी पीछे से प्रिंसिपल मैम कहती थी कि क्या मतलब रात को भी लो फील, सुबह लो फील कर रही थी, रात को एकदम ठीक थी, क्या तुम मिली थी नहीं? तो पूरी एकदम घबरा जाती है, वो पीछे देखती है और कहती शिट मेरे तो माइंड से निकल गया था कि प्रिंसिपल मैम भी तो इधर ही हैं। पूरी बात को पलटते हुए कहती अरे मेरे मतलब वो सुबह बोल रही थी ना कि रात तक वो एकदम ठीक थी, रात तक अचानक से तबीयत खराब हो गई, तो मैंने भी बस वही बोला। तो प्रिंसिपल मैम कहती ओके। तो उसके बाद प्रिंसिपल खुद कहती है डॉक्टर ईशान से कि अब आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि इन्हें हुआ क्या है। वो कहते मैम कुछ नहीं, बस थोड़ी सी वीकनेस है, शायद कुछ स्ट्रेस, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो परी कहती ऐसा हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है यार, वो तो अच्छे से खाती पीती हैं। तो कहते हैं ओहो इन डेज में हो जाता है। परी पति इन डेज में क्या मतलब? तो डॉक्टर ईशान कहता है मैम वो वो तो यूँ करने लग जाता है। पर ये कहते क्या मैं वो, मैं वो मुझे पता था आपकी ना डिग्री जालिया, मैं ना दी से बोल दूँगी कि डॉक्टर जालिया आपसे ट्रीटमेंट ना करवाए। तो डॉक्टर यहाँ कहते हेलो मेरी कोई डिग्री जाली नहीं है ओके, उनका मंथ चल रहा है तो इसीलिए। तो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता। पर ये कहते मंथ चल रहा है क्या मतलब? तो प्रिंसिपल मैम कहती ओह डफर लड़की, इसका मतलब कि उनको गर्ल्स प्रॉब्लम हुई है। पर ये बोलती ओह अच्छा। पर कहते एक सेकेंड ऐसे कैसे होगी, रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। तो प्रिंसिपल मैम फिर से ईशानी की तरफ देखते हो, फिर परे को गुस्से से घूरती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। और परी एकदम से बात को पलटते हुए कहती है होता है गर्ल्स में तो ऐसे होता है, पता थोड़ी चलता है। तो ऐसे बोल के बात को पलट देती है। तो उसके बाद जब उसका पैनिक करना थोड़ा कम हो जाता है तो प्रिंसिपल मैम जो है वो परी की तरफ देखती है और कहती है कि बीमार वो है, पैनिक तुम कर रही थी, ऐसा क्यों? परी कहती वो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ मैम, मेरे सामने कोई भी बीमार होता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब मेरी सिस्टर वो भी बीमार होती है और डॉक्टर शान से उनका ट्रीटमेंट चलता है, ये मुझे अच्छे से जानता है, मैं किसी भी पेशेंट को देख के पैनिक कर जाती हूँ, इसलिए तो मुझे इतने अच्छे से संभाल रहे थे यू नो सेंसिटिव बच्चा। तो प्रिंसिपल मैम कहती ठीक है। तो तभी प्रिंसिपल मैम को कॉल आ जाता है और वो साइड पे चली जाती है। परी देख देख के प्रिंसिपल मैम चले गए तो वो शानी मैम के पास आके बैठती है, उनके पालों में हाथ फेरती हुई थी, शानी मैम आके खोलो ना, देखो आपकी परी एकदम आपके सामने बैठी है, प्लीज़ मुझसे बात करो ना। तो परी ऐसे शानी से बात कर रही होती है तभी प्रिंसिपल मैम आती है, परी एकदम पीछे होकर बैठ जाती है और प्रिंसिपल मैम कहती है कि क्या तुम्हें घर जाना है या इधर ही रुकोगी? परी बोलती मैं इधर ही हूँ, मैं यहीं से घर चले जाऊँगी। प्रिंसिपल मैम कहती है ठीक है मुझे एक अर्जेंट काम आ गया, मुझे जाना होगा, तुम फिर ईशानी का ख्याल रखना और हाँ मैं पेमेंट यहाँ पर कर दूँगी। परी बोलती उसकी जरूरत नहीं है मैं कर दूँगी। प्रिंसिपल मैम कहती तुम क्यों करोगी, मैं कर दूँगी। तो वो कहती नहीं मैम मेरा मतलब कि वो ईशानी मैम की फैमिली वो कर देगी। तो प्रिंसिपल मैम कहती नहीं नहीं मैं कर देती हूँ। पर कहती मैम प्लीज़ ना। तो वो मैम को नहीं करने देती, मैम कहती चलो ठीक है। तो मैम वहाँ से चले जाती हूँ। उसके बाद वहाँ की नर्स जो होती है ना वो आके एक पर्ची देती है परी को और कहती है कि आप ये प्लीज़ मेडिसिन जाके दें। परी कहती ठीक है मैं लेके आती हूँ। तो परी मेडिसिन लेने जाती है, जब वो मेडिसिन लेने जाती है तो उसे याद आता है कि उसके पास 1 रुपया नहीं है, उसके पास जो भी पैसा था वो तो बैग में था और बैग कहाँ है कॉलेज। तो एकदम परेशान हो जाती है कि शिट यार अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो ऐसे सोच के वो वापस से आ रही होती है ईशानी के रूम के पास, तभी वहाँ डॉक्टर ईशानी से मिल जाता है और देखते हैं परी बहुत परेशान है, कहती परी क्या होगा तुम इतने परेशान क्यों? परी कहती नथिंग, वो मुझे कॉल करना, आपको मोबाइल मिलेगा? डॉक्टर ईशान कहते कॉल किसे? परी बोलते वो मुझे थी को कॉल करना है। डॉक्टर ईशान कहते क्यों सब ठीक है? परी कहते एक्चुअली मेरा बैग तो कॉलेज में ही छूट गया है ना, तो मुझे मेडिसिन बाय करनी थी। डॉक्टर ईशान कहते बस इतनी सी बात तुम्हें मुझे दे दो मैं ये मेडिसिन ला दूंगा। परी कहते आप क्यों ला के दोगे, ईशानी मैम के मेडिसिन है मैं खुद लाऊंगी। तो डॉक्टर ईशान कहते इधर पकड़ो, पता है ना मैं तुम्हारा होने वाला जीजू हूँ और जीजू ही तो साले के काम करता है। तो परी हंसते हुए कहती अभी तक जीजू बने नहीं हो, जब बनोगे तब काम करना। तो परी ऐसे बोल के वो चीज़ है वो फिर से ले लेती है। और तभी डॉक्टर ईशान बोलते हैं कि इस टाइम मैडम आपकी ईगो इंपॉर्टेंट है या आपकी ईशानी मैम की मेडिसिन? तो परी एकदम चुप हो जाती है और कहती है मेडिसिन। तो डॉक्टर ईशान वो पर्ची लेते हैं और कहते हैं तो मुझे ये दो ताकि मैं दवाई ला दूँ, चाहती हूँ ना कि तुम्हारी ईशानी मैम जल्दी से ठीक हो जाए। तो परी हाँ में शरीर लाती है। तो डॉक्टर ईशान ऐसे उसके चीक्स खींचते हैं, कहते चलो मैं लेके आता हूँ। परी कहते चीक्स मत खींचो करो। डॉक्टर ईशान कहते मेरी क्यूट सी साली हो, चीक्स भी मत खींचो। तो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। परी कहते डॉक्टर ईशान में ना लेकिन जो भी हो हैं बहुत अच्छे इंसान। तो ऐसे बोल के परी जो है वो अंदर रूम में जाती है, वो ईशानी मैम का हाथ पकड़ के बैठी होती है, वहाँ पे किस करती है। तो ऐसे वो किस करते हैं, ईशानी वो आँखें खोलती है और वो कहती है कि परी तुम क्या करी, वो छोड़ो हम कॉलेज में। तो परी बोलती हम कॉलेज में नहीं हॉस्पिटल में। तो ईशानी एकदम से हैरान हो जाती है, इधर उधर देखती कि वोट हॉस्पिटल में लेकिन क्यों? परी बोलती क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, समझिए आप क्यों नहीं अपना ख्याल रखती, और हाँ आपको गर्ल्स प्रॉब्लम है और आपने मुझे बताया भी नहीं।
ईशानी भर्ती वो मुझे लेट नाइट हो गए थे, पर बट सो व्हाट, बताने नहीं था मुझे, और इतनी तबीयत खराब कर ली, बताया भी नहीं, ऊपर से कॉलेज भी आ गई, बता नहीं सकती थी। ईशानी भर्ती मैंने बोला था ना मुझे लो फील हो रहा है, मुझे और सोना है, पर बती मुझे क्या पता कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है यार, मैं हर एक बात बताती हूँ, क्या मैं पागल हूँ? नहीं, हाँ सही बोला, मैं ही पागल हूँ, आप तो बहुत समझदार हो, इसलिए तो आप मुझे कुछ बताती नहीं हो, कुछ शेयर नहीं करती हो, मैं स्टूपिड की तरह चाहे जो मर्जी हो हर एक बात फूंक देती हूँ, है ना। तो वो कहती अच्छा अच्छा सुनो 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 सुनो, अब मेरी बात सुनो, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, पर बोलती व्हाट गुस्सा, तो ईशानी परी को समझा रही होती है, तभी डॉक्टर ईशान आते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं अच्छा जी अब आपकी ईशानी मैम होश में आ गई हैं, तो उनसे लड़ाई कर रही हो जो वो बेहोश थी, तब तो बड़ा कहती ईशानी मैम उठो ना। तो ईशानी कहती अच्छा ये मेरी फिक्र कर रही थी डॉक्टर ईशान, कहते हाँ बहुत ज़्यादा, पर कहती क्या बहुत ज़्यादा, मैं कोई फिक्र नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होती, ओके जामा दमत बनो, और वैसे भी मैं आपसे नाराज हूँ। डॉक्टर ईशानी हंसते हुए कहते हैं ये लो तुम्हारी ईशानी मैम की मेडिसिन, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं, तो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाता है, और परी जो है वो मेडिसिन वगैरह देखती है, और जैसे जैसे लिखी होती है वैसे ईशानी को खिलाने लगती है, और कहती है आपको वीकनेस हो गया, आपको अपना ख्याल रखना होगा, लेकिन अचानक से कैसे हो गया कुछ बताओगी ईशानी मत, वो कल प्रॉब्लम हुआ ना और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने हो रही थी, आई मीन तो शायद इसलिए वीकनेस हो गई होगी, पर बोलती व्हाट, और कुछ बताया भी नहीं मुझे, हाँ और मुझे लगा आप बहुत आराम से सो रही हो। ईशानी बोलती अरे परेशान नहीं करना चाहती थी तुम्हें, पर बोलती हाँ ठीक है, और हमें परेशानी हो रही, नहीं क्या लग रहा है आपको, अब मैं बहुत मजे में हूँ जैसे अब तो मैं बिल्कुल परेशानी हुई है ना। ईशानी बोलती ओके बाबा आई एम सॉरी, पर बोलती सॉरी क्या होता है, ईशानी बोलती यार प्लीज़ ना, पर कहती मुँह खोलो खाओ ये, तो ईशानी कहती नहीं खाना, पर कहती एक सेकेंड आपने खाना खाया था, तो ईशानी कहती हाँ हाँ मैंने खाया था, पर बोलती झूठ नहीं खाया ना अपने, मैं अभी ना किससे पूछ रूँ, रुको खाना लेके आती हूँ, तो परी बाहर निकल दिया खाना लेने के लिए, लेकिन फिर वही सेम दिक्कत है, उसके पास पैसे नहीं होते, अब वो क्या करे, तो वो कहती डॉक्टर ईशान से ले लूँ क्या, बाद में दे दूँगी, हाँ यही करती हूँ, तो ऐसे बोल के डॉक्टर ईशान के कैबिन में जाने लगती है। तो वहाँ पे बाहर जो नर्स खड़ी होती है वो जाने नहीं देती, कहती मैम आप क्या कर रहे हो आप अंदर नहीं जा सकते, वो कहती अरे कैसे नहीं जा सकते, मैं डॉक्टर ईशान को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनसे कुछ काम है, तो कहती अरे मैम चाहे जो मर्जी काम हो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती, अंदर वो पेशेंट देख रहे हैं। परी बोलती हाँ तो डॉक्टर तो पेशेंट ही देखेंगे ना, क्या फजूल बात कर रहे हो, हटो मुझे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो कहती मैम आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है, कहती अच्छा मैं लूँ, उन्हें बोलो जरा आपकी साली आई है, देखना खुद ही भाग के बाहर आएंगे। वो कहते व्हाट मैम उनके अभी शादी भी नहीं हुई, पर कहती हुई नहीं तो क्या होगी भी नहीं कुछ भी, हटो सामने से। तो वो नर्स जो है वो अंदर जाने नहीं दे रही होती, पर कहती आपकी तो डॉक्टर जान बाहर आओ, डॉक्टर शान मेरी दी से शादी करनी है तो अभी कभी बाहर आओ, ऐसे जोर से चिल्लाने लग गया, डॉक्टर ईशान के कान में आवाज़ आती है, तो कहती परी ये चिल्ला क्यों रही है, तो ऐसे बोल के फौरन से भाग आता है, और कहते साली साहिबा चिल्ला क्यों रो, आज तो बोलो हॉस्पिटल है। परी कहती इसको ज़रा समझाओ, इसको बोलो मैं कौन हूँ, तो कहते क्या करो आप, ये मेरी साली है, कहते साली के नाम पर तो शादी नहीं हुई, तो कहते कि तो क्या चाहते हो मेरी सारी जिंदगी शादी हो भी ना। तो वो कहती सॉरी सर, तो डॉक्टर ईशान कहते अब देख लो इनका चेहरा, नेक्स्ट टाइम जब भी आए ना इन्हें आने देना अंदर और जाओ यहाँ से, तो ऐसे बोल के नर्स को वहाँ से भगा देते हैं। डॉक्टर ईशान कहते ये हॉस्पिटल इतना चिल्ला क्यों रही थी, पर कहती मैं क्या करती अंदर नहीं आने दे रहे थे। ईशान कहती चलो इसी बहाने एक्सेप्ट हो गया कि तुम मेरी साली हो, तो ऊपर ही कहती ठीक है मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो डॉक्टर ईशान कहते अरे वाह बेधड़क पैसे मांग रहे हो क्या बात है, पर कहती मेरी ईशानी मैम बुक है मुझे उनके लिए खाना देना, मैं बाद में लुटा दूंगी अभी जल्दी से पैसे दो, तो डॉक्टर ईशान अपना बटुआ ही निकाल के दे देता है, कहते ये लो जितने पैसे चाहिए ना निकाल लो इसमें से। परी कहती मुझे ज़्यादा नहीं थोड़े से चाहिए, डॉक्टर ईशान कहते भाई निकाल लो, तो परी उसमें से कुछ पैसे निकालते हो, कहती थैंक यू लेकिन आपके एहसान बहुत जल्दी लुटा दूंगी मैम, तो डॉक्टर ईशान कहते हाँ ठीक है अभी जाओ मैं अपने पेशेंट्स देख लूँ, तो परी कहती ठीक है, तो परी जाती है वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेती है और सीधा ईशानी मैम के पास आ जाती है, उन्हें अपने हाथ से जो है वो खिला रही होती हैं, तो ईशानी कहती सूप वो भी इस टाइम, पर कहती हाँ तो वीकनेस हुई है ना तो चुपचुप यही खाओ, वैसे भी आपको सिर्फ गर्म चीज़ें यूज़ करनी है। ईशानी बोलती यार प्लीज़, पर बोलती क्या प्लीज़ खाओ चुपचाप, जब तक तबीयत खराब रहेगी सिर्फ गर्म चीज़ें पीनी है, गर्म चीज़ें खानी है। ईशान बोलती अच्छा सीरियसली, तो ईशानी जोर से हंसने लग जाती है, परी कहती क्या, ईशान बोलती रात को मेरी जैसे तबीयत खराब हुई थी मैंने तो तुरंत जाके नहा लिया था, परी बोलती व्हाट लेट नाइट तबीयत खराब हुई और आपने लेट नाइट नहा लिया, तो ईशान बोलती हाँ तो परी बोलती इसलिए आप इतनी तबीयत खराब होगी यार, समझती क्या हो खुद को, हाँ जोन जीना की औलाद जो मन में आएगा वो करोगी, तो ईशान बोलती अरे जोन जीना की औलाद क्या मतलब कुछ भी, परी बोलती क्या कुछ भी, हाँ मैं ना सच में आपको लगा दूंगी इतनी बड़ी हो गई ऊँट जितनी हो गई अक्ल बिल्कुल नहीं है। ईशान बोलती यार मेरी हाइट ज़्यादा है तो ऊँट तो मत बोलो मुझे, परी बोलती हाँ तो हरकतें कैसी हैं और अक्ल अक्ल आपके घुटनों में है कौन नहाता है, हाँ वो भी तुरंत वो भी आधी रात में।
तो ईशान बताया, अच्छा ठीक है ना, खिलाओगी या डांटती रहोगी? परिपति आपको ना मार खाने की जरूरत है, तो करे दो तीन लाफड़ लगा ही दो। तो ईशान बताती, हाय मेरी जान, अब प्यार से लाफड़ भी लगाओ तो मुझे प्यार ही लगेगा। कोई नहीं लगा दो परिपति, ये फिल्मी बात है ना, मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलने वाली, मुँह खोलो चुपचाप। तो परिया से बोल के ईशानी को सूप पिलाती है, सूप पिलाने के बाद से मेडिसिन खिलाती है। ईशान बताती, मुझे तो खिला दिया, खुद कुछ खाया है कि नहीं? परिपति, हाँ मैं ब्रेकफास्ट करके आई थी। ईशान बताती, भरोसा कर सकती हो? तो परी एकदम ईशानी की आंखों में आंखें डाल के कहती, हाँ कर सकती हो। ईशान बताती, अब ठीक है। तो उसके बाद परी जब वो ईशानी को फिर से लिटा देती है, ईशान बताती, ऐसे क्यों ट्रीट करो जिसमें बहुत बीमार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर जाना है। परिपति, बिल्कुल घर नहीं जाना, बस चुपचाप लेट ही रहो, तबीयत नहीं ठीक ना? तो ईशानी कहती, क्या जानू मैं, बिल्कुल ठीक हूँ ना? परी कहती, नो जानू मानो, समझी ना, मुझे मक्खन मत लगाओ। ईशान बताती, अब जानू को जानू नहीं बोलूँगी तो क्या बोलूँगी? तो ईशानी ऐसी बातें कर रही होती है, तभी वहाँ डॉक्टर ईशान आ जाता है, कहते मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? परिपति, हाँ किया तो है। तो ईशानी ऐसी परी को हाथ लगाती है और चुप करवा देती है। तो डॉक्टर ईशान कहते, अब कैसे फील हो रहा है ईशानी, ठीक हो? ईशान कहती, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, मुझे पता है परी ने आपके नाक में दम कर दिया होगा। डॉक्टर शानी, तो ऐसा वैसा बहुत तंग करती है ये लड़की। परी कहती, हाँ तो खुद ही बोलते हो, होने वाली साली तो तंग करेगी ना? तो शानी एकदम से परी की ओर देखने लगती है, तो परी भी स्माइल करती है। उसके बाद डॉक्टर शान कहता है कि अब कैसा फील हो रहा है, आई ओके? ईशान बताती, अच्छा फील हो रहा है। डॉक्टर शान कहता है, ठीक है, वैसे ज़्यादा मेडिसिन तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी ये तीन मेडिसिन खाना कंपल्सरी है, तो तीन दिन तक के खाती रहना, ओके? और अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो एक बार फिर चेकअप करवा लेना। तो ईशान बताती, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शान कहते हैं, एनी टाइम। तो उसके बाद परी कहती है कि हम घर जा सकते हैं? डॉक्टर शान कहते हैं, तो और क्या, यही रहने का इरादा है? ऑफकोर्स जा सकती हो। परी कहती, थैंक यू। तो उसके बाद परी ना ईशानी को उठाने लगती है। डॉक्टर शान कहते हैं, हे वेट, फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ेगी ना? परी कहती, क्या मतलब? तभी डिस्चार्ज पेपर आते हैं और डॉक्टर शान कहते हैं, इन पर तो सिग्नेचर करने होंगे। परी कहती, थैंक यू। तो परी जब वो सिग्नेचर्स वगैरह करती है, तभी वो नर्स कहती है कि पेमेंट। तो परी कहती, हाँ वो तो डॉक्टर शान एकदम वो फॉर्म ले लेता है, कहता है कि वो हो जाएगी पेमेंट। तो ऐसे बोल के नर्स को वहाँ से जाने को बोलता है, नर्स वहाँ से चली जाती है। तो ईशानी कहती है कि जान मेरा पर्सन कहाँ है? परी कहती, वो तो कॉलेज में, आपका पर्स, फिर मेरा बैग भी। ईशान बताती, तुम भी ना? तो डॉक्टर शान कहते हैं, हे गर्ल्स रिलैक्स, किसी ने पैसे मांगे नहीं ना, चुपचाप जाओ यहाँ से। तो ईशानी को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है, बुरा तो परी को भी फील होता है, उसको आदत जो नहीं होती किसी से फेवर लेने की, स्पेशली पैसे के मामले में। लेकिन वो थोड़ा ईशानी के सामने नॉर्मल फील करती है और ईशानी को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। तभी डॉक्टर ईशान कहते हैं कि देखो यार, तुम दोनों ना मेरे लिए मेरी फैमिली के जैसे हो, और परी तो इतनी बार मुझे डांट डपट लगा चुकी है कि ऐसे लगता है कि मेरी छोटी बहन ही है, तो रिलैक्स हो जाओ, ओके? और इतने भी कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे कि लौटाने के बारे में सोचो। परी बोलती है कि मैंने आपसे डील की थी कि पैसे लूँगी तो लौटाऊँगी, तो ये तो बात मत करो कि नहीं लौटाने, समझे ना? तो डॉक्टर ईशान कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, अब जाओ या फिर से एडमिट कर लूँ ईशानी को? परी बोलती, नहीं नहीं हम जा रहे हैं। तो उसके बाद परी जब ईशानी का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर लेके आती है, और जब ये लोग बाहर आते हैं तो ज़ोर से हंसने लगते हैं, तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ईशान बताती, अब घर कैसे जाएं? परी कहती, टैक्सी करते हैं। ईशान बताती, चलो टैक्सी कर लेते हैं। परी कहती, लेकिन बैग और पर्स तो हमारा उधर ही है। तो ईशानी बोलती, हाँ तो सना को बोलो ना, वो कलेक्ट कर लेगी अभी, प्लीज़ मेरा हिम्मत नहीं है और बैग में भी बहुत पेन हो रहा है। परी बोलती, ठीक है। तो ये लोग टैक्सी करते हैं और घर चल जाते हैं। वहाँ घर जाके ईशानी घर से कुछ पैसे उठाती है और टैक्सी ड्राइवर को देती है। तो परी जो है एकदम से ईशानी को पकड़ के रूम में लेके जाती है, उसे लिटाती है, उठाते हुए देखती है, वो घबराते हुए आती है, कहती ईशानी क्या हुआ तुम्हें? ईशानी बोलती, दादू रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादू कहते, फिर तुम्हें इस तरह पकड़ के क्यों आई? तो ईशानी कहती, इसकी आदत है ओवर एक्टिंग करने की, हाँ प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो परी कहती, अच्छा मेरी आदत है ओवर एक्टिंग करने की या आपकी आदत है खुद को बीमार करने की? तो दादू कहती, बेटे क्या हुआ बताओ मुझे। तो ईशानी कहती, दादू कुछ नहीं, बस हल्की सी वीकनेस हो गई थी और मैडम मुझे सीधा हॉस्पिटल उठा के ले गई, आप ना बेफिक्र हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दादू बहुत परेशान हो जाती है और फिर तभी परी बताती है कि इनको गलत प्रॉब्लम हुआ है। तो दादू बोलती, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी से एक अच्छा सा कहवा बना के आती हूँ, देखना जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो ईशानी बोलती, हाँ ठीक है आप बना दो। तो दादू वो कहवा बनाने जाती हैं और परी जो होती है ईशानी के हाथ पे घिस करते हुए कहती है, जाना आप तो मुझे डरा ही देते हो, कितनी दफ़ा बोला है मुझसे कुछ मत छुपाया करो। तो ईशानी बोलती, कह भी कौन रहा जो खुद मुझसे बातें छुपाने लगी है। तो परी एकदम हैरान हो जाती है, थोड़ा घबरा जाती है, कहती नहीं मैं तो कोई बातें नहीं छुपाती आपसे। तो ईशानी परी एक तरफ देखती है, कहती है कि आपकी नाकों में देख के ना मुझे सब पता चल जाता है, आप कब मुझसे क्या छुपाती हो, आपसे ज़्यादा मुझे पता होता है।
बताओ क्या छुपा रही हो? परी के जाने से कोई बात नहीं है। तो परी तभी दिल में सोचती है कि मैं शानी मैम को कैसे बताऊँ, पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। तो शानी कहती है ठीक है मैं सो रही हूँ। तो शानी नाराज़ हो जाती है, परबती जान प्लीज़ नाराज़ तो मत होना। शानी बोलती बातें भी छुपा और मैं नाराज़ भी ना हूँ। वाह परबती ठीक है ना, वक्त आने पर बता दूंगी, वैसे भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। शानी बोलती चाहे इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मुझे हर बात जाने का हक है और आपका फ़र्ज़ बनता है मुझे हर एक बात बताना। तो ये तो नहीं ऐसी बात कर रहे होते तभी दादू कैब बना के आती है और ईशानी का मूड ख़राब होता है, वो कहती मुझे नहीं पीना। तो परी कहती दादू मुझे दे दो मैं पिला दूँगी। तो दादू कहती है कि ठीक है। तो दादू की कॉल आता है, वो कहते मैं अभी आती हूँ। तो दादू बात करने के चले जाते हैं, उनकी फ्रेंड की कॉल होती है। तभी परी ईशानी कहती चलो कैब पियो। ईशानी बोलती मुझे नहीं पीना। परी बोलती चान प्लीज़, ईशानी बोलती हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी, मुझे नहीं पीना तो नहीं पीना, मेरा मन नहीं है। परी बोलती बेबी प्लीज़ ना। तो ऐसे ज़बरदस्ती उसे उठाते हैं और कहवा बनाने लगते हैं। ईशानी बोलती मैं अभी भी नाराज़ हूँ पता है ना। परी बोलती हाँ ठीक है हम सॉरी। तो ईशानी बात नहीं करी होती है, चुपचाप लेट जाती है। परी ऐसे ईशानी के पास आती है, उसकी कमर ऐसे हाथ डाल के लेटी होती है और ईशानी एकदम पीछे हो जाती है, एकदम सीधे होकर लेट जाती है। परी बोलती गुस्सा हो? ईशानी बोलती नहीं हूँ। तो परी एकदम ईशानी की ऐसी टांग पर टांग उठा देती है और परी की टांग पे टांग उठा देती है और ईशानी ऐसे परी की टांग पीछे करती है। परी फिर से टांग उठाती है, ईशानी फिर से पीछे करती है। परी फिर से रखती है, ईशानी फिर से पीछे कर देती है। और उन्होंने ईशानी गुस्से में आके चलाती है, क्या मसला है यार समझ नहीं आ रहा, पीछे हटाओ। परी बोलती बाप रे बाप इतना गुस्सा, ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तो परी उठ के जाने लगती है, ईशानी ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, कहती मत जाओ। परी बोलती मेरे यहाँ रहने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मेरे चले जाने बेहतर है। ईशानी बोलती जानिए आपको भी पता है वो बात नहीं है यार। परी बोलती दिख रहा है आप बहुत ही इरीटेट हो रही हो मेरी वजह से। ईशानी बोलती ऐसा नहीं है ठीक है हम सॉरी। तो परी हंसते हुए कहती इट्स ओके, मैं सिर्फ आपको तंग कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इन डेज में इरीटेशन हो जाती है, इट्स ओके कहीं नहीं जा रही मैं, को छोड़ के कभी जा सकती हूँ क्या? तो ईशानी हंसने लग जाते हैं, उसके बाद परेशानी को ऐसे लेट के हक कर दिया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कैन वाले पार्ट में क्या होगा, क्या परेशानी को बताएगी कि उसके मन में कौन सी परेशानी चल रही है और ईशानी ये जानने के बाद क्या करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। हाँ जान से पर एक छोटी सी नन्ही मुन्नी से प्यार से रिक्वेस्ट रखी होगी, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर करो, चैनल खोलो जल्दी से, सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।